प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस अर्थात श्रेणी समानांतर प्रतिरोध संयोजन एवं ओम के नियम पर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम डीसी सर्किट्स के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। किरचॉफ लॉ सभी परिपथों में अप्लाई या उपयोग की जाने वाले नियम है। यह नियम मूलभूत नियम है तथा इनकी सहायता से विभिन्न परिपथों को हम सॉल्व कर या हल करके उनकी विभिन्न शाखाओं में या विभिन्न प्रतिरोधों में या विभिन्न वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत के पार्श्व में वोल्टता या उसमें बहने वाली धारा को ज्ञात कर सकते हैं। दो नियम हैं, पहला किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो धारा से संबंधित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टता लॉ वोल्टता पाथ और विद्युत वाहक बलों से संबंधित है। किरचॉफ लॉ या किरचॉफ करंट लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम नोड को परिभाषित करेंगे। नोड विद्युत परिपथ का वह बिंदु है जहां पर दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है। अब किरचॉफ करंट लॉ, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये किसी विद्युत परिपथ का एक संधि बिंदु है जिस पर छह धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6 दर्शाई गई दिशा के अनुसार मिल रही है। इनमें से देखने पर पता चलता है कि I1 धारा, I3 धारा, I4 धारा और I6 धारा, ये धाराएं तो संधि बिंदु की ओर आ रही है, जबकि I2 और I5 धाराएं वो संधि बिंदु से दूर जा रही है। तो किरचॉफ का करंट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, अर्थात किसी भी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मान लें, तो उस स्थिति में I1 धनात्मक होगा, माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 बराबर जीरो, या I2 और I5 को बराबर के निशान के उस ओर ले जाने पर I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6 बराबर I2 प्लस I5। अब I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 क्या है? ये है संधि बिंदु की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग, तथा I2 प्लस I5 है संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग। अतः किरचॉफ के करंट लॉ को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ
आउटगोइंग करंट। विद्युत परिपथ के किसी भी संधि बिंदु पर समझदारों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य के बराबर होता है, अर्थात संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। दूसरा नियम जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, इन ए क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यहां पर चित्र में ई वोल्टता का एक वोल्टता स्रोत है और तीन प्रतिरोध जिनके पार्श्व में वोल्टता पात V1, V2 और V3 है दिए गए साइन के अनुसार। तो ई माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 बराबर जीरो। किसी बंद विद्युत परिपथ के अंदर समस्त विद्युत वाहक बलों तथा समस्त विभव पातों का बीजगणित योग सदैव शून्य के बराबर होता है। E माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 बराबर जीरो। अब हम यह सीखेंगे कि कब तो वोल्टता के पात के लिए धनात्मक चिन्ह काम आएगा और कब ऋणात्मक चिन्ह। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह V2 के साथ धनात्मक है और V1 और V3 के साथ ऋणात्मक है, E के साथ धनात्मक है। तो हमें चार चीजें ध्यान रखनी है, या दो चीजें भी ध्यान रख लें तो हमें बाकी दो चीजें पता चल जाएगी, यानी कब E प्लस का होगा या माइनस होगा, दूसरा कब वोल्टता पात V धनात्मक या ऋणात्मक होगा। अब ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब भी हम किसी बंद लूप में किरचॉफ वोल्टता लॉ को लगाएंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें प्रथम में V1 वोल्ट है और I1 धारा की दिशा दी गई है, जबकि द्वितीय में V1 दे रखा है लेकिन धारा की दिशा पहले के विपरीत है, तीसरे में वोल्टता स्रोत E मान का है जिसमें उसके टर्मिनल ऋणात्मक और धनात्मक दर्शाए अनुसार हैं, तथा चौथे में वोल्टता स्रोत धनात्मक और ऋणात्मक दर्शाए अनुसार है। अब यदि हम डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग को ध्यान में रखें तो हम प्रथम वोल्टता स्रोत V1 के लिए, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा की दिशा हमारी डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग के समान है, अर्थात दोनों समान दिशा में हैं, उस स्थिति में विभवपात ऋणात्मक होगा। दूसरे केस में जो बहने वाली धारा I1 है वो डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग के उल्टी है या विपरीत है, ऐसी स्थिति में वोल्टता पात ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, अर्थात जब डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग और धारा की दिशा विपरीत है तो उस स्थिति में विभवपात या वोल्टता पात धनात्मक होगा प्लस V1। थर्ड, यदि डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग में हम किसी भी वोल्टता स्रोत के ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलते हैं तो उस स्थिति में उसका मान प्लस ई लिया जाएगा, जबकि चौथे केस में डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग
की दिशा में चलते हैं तो हम वोल्टता स्रोत के धनात्मक से ऋणात्मक चिन्ह की ओर चलेंगे, उस स्थिति में उसका मान माइनस ही लिया जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन राइटिंग किसी भी क्लोज लूप के अंदर किसी भी दिशा में ले सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ही स्थिति में परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।